तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और मैनेज ऑल इन्वेंटरी पे आओ। अभी जैसे आपको वफ़ल मेकर का तो मैंने अभी लिस्टिंग कर दी, आपके मैनुअल वाली ना जो सेल्फ शेप वाली है वो मैंने कर दी है। अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट आपको करना है, जैसे ये हेयर रोलर है ना, इसका आपको करना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका ASIN कॉपी करो। पहले ये देखो इसका है भी कि नहीं है, मतलब जो सेल्फ शेप वाली लिस्टिंग है वो है कि नहीं है। कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो आपको मिल जाएगी, सिर्फ एक ही लिस्टिंग है। तो इसकी हमें सेल्फ शिप लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है, ये अभी FBA में है, ठीक है। सेल्फ शिप आपको कैसे करनी है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना, राइट क्लिक करके ओपन इन अ न्यू टैब, ठीक है। तो यहाँ से ASIN को कॉपी करना है और यहाँ सर्च करना है आपको। सर्च किया, ये आप ही की लिस्टिंग है, इसके ऊपर आप सेल्फ शिप वाली लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे उसका SKU कोड डाल दो, हेयर रोलर और सेल्फ शिप, ठीक है। यहाँ डाला आपने, प्राइस वहाँ पे जो डाला हुआ है अगर मैं देखूँ यहाँ पे 499 डाला हुआ है, तो यहाँ पे 499 ही डाल दो, ठीक है। डाला आपने लिस्ट प्राइस भी 499 डालो। कंडीशन होगी इंडिया से हमारा होगा, यहाँ पे 3926 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका डबल डाल दो, मतलब 1000 रुपये डाल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ सेव कर दो। ये देखो एक कोई एरर बता रहा है ना, क्वांटिटी डालने के लिए बोल रहे हैं, क्वांटिटी आप 100 डाल दो। यहाँ पे फिर हमने इसको सेव कर दिया। अभी ये 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, वफ़ल मेकर का भी बनाया था, आप सेल्फ शिप में करोगे कैसे, इसको क्लिक करोगे आप अमेज़ोन पे सर्च करोगे। अब यहाँ पे ना आपको दो लिस्टिंग दिखाएगा, आप फ़ोन में अगर खोलोगे तो भी, यहाँ पे सोल्ड बाय डिलाइट कस्टमर इंडिया एंड फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। इसका मतलब ये जो लिस्टिंग है ये FBA की है, मतलब अगर इससे आप अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके अगर करोगे ना, तो ये आपको FBA में ऑर्डर जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है अदर सेलर्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो सिप बाई डिलाइट कस्टमर इंडिया सोल्ड बाई दिस, ठीक है। तो इसको आप ऐड टू कार्ट अगर करोगे तो ये जो प्रोडक्ट है आपको सेल्फ शिप में आएगा, तो फिर हम लोग यहाँ से आपको ब्लैंक बॉक्स यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं। यहाँ पे 30 रुपीज़ हमें डिलीवरी पे दिखा रखी है ना, तो आप इससे भी समझ जाना, 999+30 अगर आ रहा है तो ये लगा लो कि सेल्फ शिप वाला है, 999 सिर्फ आ रहा है तो ये लगा लो आप प्राइम का है, ठीक है। तो आप ऐसे करके यहाँ से ऐड टू कार्ट करो, पेमेंट करो, बात खत्म। जिसकी भी मान लो अगर सेल्फ शिप लिस्टिंग नहीं, तो आप उसकी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया।